हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माय ईटिंग ब्लॉग। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई नमकीन सेवई, और आपको भी मेरे ब्लॉग में देख के पता चलता होगा कि मुझे नमकीन सेवई कितनी ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, हमारी सेवई बनके हो गई थी रेडी। तो चलो अब खाते हैं और करते हैं यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने वॉश किया यूटेंसिल्स, और भी मैंने किया मेरा रेगुलर वर्क्स कपड़े वगैरह का। फिर मुझे बच गए थे दोपहर के एक, और मैं गई थी जिस घर पे हम खाना बनाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने बनाई रोटियाँ। फिर रोटी बनाने के बाद खाने का समय हो गया था, तो सबसे पहले मैंने खाई सैलेड, और उसके बाद फिर मैंने किया मेरा लंच। तो लंच में मैंने खाई पनीर की सब्ज़ी, और साथ में मैंने लिया था कर्ड। और आज हमारे लंच में जो है वो मसाला पापड़ भी इंक्लूड था। तो आइए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मसाला पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कट किया टोमेटोज़ और क्यूकम्बर, फिर उसमें डाला थोड़ा सा लेमन जूस और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर। फिर जो है हमें पापड़ को सेकना है, तवे पे सेकना है, डायरेक्टली गैस पे नहीं सेकना है। और फिर जब पापड़ एकदम अच्छे से सेक जाता है एकदम स्ट्रेटली, तब हमें फिर बिल्कुल अच्छे से अपने टोमेटोज़ को और क्यूकम्बर को पापड़ के ऊपर एकदम अच्छे से स्प्रेड करना होता है। तो देखिए, मसाला पापड़ बन के हो गया रेडी। सो गुड इवनिंग दोस्तों, नाउ इट्स इवनिंग, सो स्नैक्स टाइम। तो स्नैक्स में मैंने खाई मैगी, और फिर मैं चली गई थी डिनर प्रिपेयर करने। तो चलो देखते हैं कि आज मैं डिनर में क्या बना रही हूँ। मैंने बनाई दाल, चावल और फ्रेंच फ्राइज स्टाइल कटिंग आलू की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने बनाई दाल, उसके बाद फिर चावल, और फिर मैंने बनाई सब्ज़ी। तो देखिए, सब्ज़ी भी बन के हो चुकी है रेडी। तो जब खाना बन के हो चुका है रेडी, तो फिर खाना खाने में हम क्यों करें देरी। तो चलो फटाफट से डिनर की करते हैं प्लेटिंग, और फटाफट से करते हैं हम अपना यम्मी यम्मी डिनर। वाओ, दाल, चावल, आलू की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी, मेरा फेवरेट खाना। तो चलो अब खाते हैं और करते हैं अपने ब्लॉग का यहाँ पर एंड। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का फुल डे ईटिंग ब्लॉग, मैंने शेयर किया आप सभी के साथ। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना। सो बाय बाय, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट डेली ब्लॉग में।